differentiation, बताता हूँ differentiation y बराबर sin x का, यो फॉर्मूला है भाई, sin का क्या हो differentiation, cos हो, तो नहीं यो देखो cos हो, cos x है, लिखना ही लिखना differentiation with respect to x, हाँ यो हो गया। अब इस तरीके की सिचुएशन दे दी, तो क्या प्रॉब्लम दे दी, 2x sin 2x, तो कैसे करोगे तुम, है लिखना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx क्या होगा, sin का cos हो, क्या हो cos, ऊपर ही लिख दिया, लेकिन यहाँ जो 2x है यो चीज नोट करने वाली बात है, यहाँ क्या दे दिया 2x, अब 2x दे दिया तो इसे मन में मान लो 2x को x, तो sin x हो गया भाई, साइन एक्स का कोस है तो कोस हो गया, जिसे मानना उसका इंटू में डी अपॉन डी एक्स का मतलब अभी करा नहीं है, करेंगे कोस टू एक्स, अभी टू ऐसा कैसा ही, और एक्स का वन हो गया, एक्स का वन पहले ही बता दिया, टू पहले ही ले लेंगे, टू कोस टू एक्स, यो आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम वाई बराबर, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो पहले से ठीक करना पड़ेगा वाई बराबर साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक, तो ऐसा अब इसमें कैसे करेंगे भाई, ये देखो, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो लिखना ही लिखना है भाई, इसे बार बार कहने से क्या फायदा, ये तो लिखना ही है, नहीं लिखोगे नंबर कट देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे क्या कर देंगे हम थोड़ी देर को इसे एक्स मान लेंगे, कुछ याद थोड़ी रहा, इसे पूरे को साइन एक्स को एक्स ही मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स को एक्स मान लेंगे, तो यहाँ लिख लिया एक्स की पावर दो हो जाएगा, तो बहुत आसान, साइन एक्स को क्या मान लिया एक्स, एक्स की पावर दो हो गया, और एक्स की पावर दो का डिफरेंशिएशन टू एक्स होगा, तो इसे साइन एक्स को एक्स मान के करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स, ठीक, लेकिन एक्स क्या है, मैंने कहा सौ रुपए है, तुमने सौ को दस मान लिया तो कभी हो जाएंगे दस, सौ का सौ ही रहेगा, सौ का नोट सौ ही रहेगा, तो इसलिए जो टू तो पहला आ गया लेकिन साइन का साइन ही रहेगा, इसे जिसे मानना वो लिखेंगे वही, और जिसे मानना उसका इंटू में और करेंगे, इंटू में इंटू में इंटू में करेंगे साइन एक्स, यो याद रखियो टू साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो, कोस एक्स, क्या हो गया टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स, यो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले के हिसाब से बंद कर दिया, यो आंसर आ गया, सही है, यो याद ही रखना है टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स हो। अब देखो भाई हम मैं कह रहा हूँ वाई बराबर कोस कोस एक्स, ये देखो यो ये सी वाले कोस है वो कोसक हो कोट हो इनके माइनस में आएंगे डिफरेंशिएशन, अब कोस का डिफरेंशिएशन है लिखना ही लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस का जो माइनस के साइन हो तो आसान है, ठीक, अब मैंने कहा वाई बराबर प्रॉब्लम दे दी के साइन यानी कि कोस तीन एक्स है, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर दो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, भैया कोस का ही तो था फॉर्मूला, इसमें तीन एक्स इसने फालतू लिख दिया, तो गलती है यो रॉन्ग दे दिया, तो एक्स के एक्स देना था, तो इसे क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे लेट, एक्स मान लेंगे, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा हमारा, कोस एक्स हो गया, कोस का क्या हो साइन, तो ये हो जाएगा माइनस के कोस तीन एक्स, और इंटू में डी अपॉन डी एक्स तीन एक्स, इसका मतलब करा नहीं करेंगे तीन ऐसा कैसे एक्स का वन, कोस तीन एक्स इंटू में तीन एक्स का वन हो गया, तीन पहले ले लेंगे ठीक है, ठीक करता लिख लेंगे, क्या दूसरी प्रॉब्लम बता रहा हूँ के को वाई बराबर कोस थ्री एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो भैया डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले से ठीक करना पड़ेगा, कोस एक्स पर तीन ऐसा करके लिख लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हैं लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे एक्स मान का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर तीन हो जाएगा, अच्छा एक्स की पावर तीन हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन कर बताओ क्या होगा, तो बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तीन एक्स की पावर दो, तो सेम वही प्रोसेस, तीन पहला आ जाएगा कोस लिखेंगे क्योंकि सौ रुपए का नोट है उसे तुम दस रुपए मान लोगे हो जाएंगे क्या, ऐसा एक्स मानना गया था लेकिन एक्स के हिसाब से घात पहले आ गई, और कोस स्क्वायर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, अच्छी से मानना उसे इंटू में करना डी अपॉन डी एक्स का मतलब अभी करा नहीं करेंगे कोस एक्स, ठीक तीन, हाँ यो इसका तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर
एक्स कोस का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, इसे ठीक कर लेंगे, माइनस पहले ले लेंगे, माइनस के तीन साइन सजा के लिख लिया ये कोस स्क्वायर एक्स आंसर। अब बात करते हैं वाई बराबर टेन एक्स की, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है लिखना भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स हो, क्या हो टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक जो रटना ही रटना है, टेन का क्या हो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर ये प्रॉब्लम दे दी टेन चार एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कैसा करोगे बताओ, तो डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना ही लिखना है शॉर्ट में, इतना तो समझ ही जाओ डी एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन का क्या हो सेक स्क्वायर चार एक्स, ऐसा कर इसे लेट करके मन मन में मानना, आप तो समझ में आ गया हो, आ गया होगा। अब इनटू में जिसे मानना उसका गुणा कर देंगे, चार एक्स का मानो शॉर्ट में लिख दिया मैंने बस, ये देखो चार सेक स्क्वायर चार एक्स, अब तो समझ रहे होंगे। अब देखो भाई वाई बराबर अगर टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर स्क्वायर एक्स, ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए इस तरीके से करेंगे भाई, वाई इक्वल टू पहले ठीक कर लेंगे इसे ऐसा करके, इस प्रकार होल स्क्वायर बना लेंगे, अब इसे एक्स मान लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स की पावर दो, एक्स की पावर दो का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो। अब देखो यहीं लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो टू पहले आ जाएगा टेन एक्स, मतलब एक बचेगी, एक लिखते नहीं है तो इसको, हाँ टू एक्स हो गया, यानी कि एक्स की जगह क्या टेन का टेन, ऐसा कैसे लिखा नहीं भाई, टेन का इंटू में करेंगे तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो, ऊपर लिखा टेन का डिफरेंशिएशन यो सेक स्क्वायर, यहीं लिख जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक बस ये आंसर आ गया। अब देखो भाई हाँ प्रॉब्लम आ गया ये वाई बराबर कोट एक्स, क्या है कोट एक्स डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, कोट का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, हाँ अगर ये प्रॉब्लम आ जाए कोट पी एक्स, क्या आ गया कोट पी एक्स, अब क्या कह रहा हो डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू किसके करना एक्स के, तो ये इस तरीके को देखो कैसे हैंडल करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पी आवे संख्या आवे कुछ भी आवे चाहे कुछ भी, तो यहाँ इसे लेट कर लेंगे एक्स, तो क्या हो गया कोट एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो क्या हो, बहुत आसान है हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटू में कर देंगे पी ऐसा कैसा ही, पी ऐसा कैसा ही एक्स का वन हो जाएगा, जिसे मानना भैया उसे का गुणा में करना ही करना, ना करना है तो भैया नंबर कट जाएंगे, इच्छा है तुम्हारी नंबर कटवाने तो मत करो, पी ऐसे ही लिख लेंगे कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, यो आंसर आ गया। अब ये देखो भाई वाई बराबर कोट हो गया कोस, हाँ यो देखो प्रॉब्लम है कोट स्क्वायर एक्स, तो इसे सॉल्व करना, चलो मैं इसमें के एक्स भी लिख देता हूँ, थोड़ा हार्ड वर्क लग रहा है, ये स्क्वायर है भाई कोट स्क्वायर के एक्स, डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसे पहले ठीक कर लेते हैं कोट के एक्स, इस तरीके से समझ रहे हो ना, तो क्या करेंगे बहुत आसान है, इसे एक्स मान लेंगे पहले अंदर वाले को, इसे एक्स मान कर एक्स की पावर टू हो गया, तो क्या हो जाएगा टू एक्स, यानी कि एक्स थोड़ी लिखेंगे कोट का कोट लिखेंगे, सो का नोट सो का ही रहेगा यार, दस का जोड़ जाएगा, ये तो बच्चा भी जाना। अब ये देखो इसमें क्या हो गया, जिसे मानना उसका इंटू में करेंगे, किसे मानना है इसे मानना हमने कोट को, कोट का क्या होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर के एक्स, कोसेक स्क्वायर के एक्स, अब ये देखो इसका इंटू में यहाँ कोट को क्या है कोट का डिफरेंशिएशन करा मान के करा, लेकिन यहाँ पर अभी मानना बंद नहीं हुआ, यहाँ के एक्स को भी मानना था, यहाँ के एक्स को, चलो इस प्रॉब्लम को मैं फिर दोबारा सही करके बता देता हूँ आगे ऊपर, तो हाँ यहाँ का जो सॉल्यूशन लिखना है लिखना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी हार्ड सी होगी इसलिए सही करके यहाँ समझा रहा हूँ दोबारा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सही कर, ये देखो इसको एक्स मानना तो एक्स पावर टू टू एक्स हो गया, तो टू कोट के एक्स, ठीक
अब इसमें देखोगे कि जैसे मानना, कैसे मानना था हमने, कोट को मानना, डी अपॉन डी एक्स का मतलब अभी करा नहीं करेंगे, कोट के एक्स, कोट के एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, तो इस तरह से लिखते चले जाएंगे, टू कोट के एक्स। अब इसका कोट का करेंगे, इसे कोट का ऐसा कैसा कर लेंगे भाई, कोट एक्स का हो सकता डिफरेंशिएशन, यानी कि के एक्स का नहीं होता, तो कोट का क्या हो, माइनस के कोसेक स्क्वायर के एक्स, क्या करा है, इसे मानना, इसे मानना, जिसे मानना, जब तक मानते रहेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ये जब मानना, मानना जब तक मानते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे, इसलिए याद रखना, जब तक मानते रहेंगे, यहाँ मानना पड़ा था हमें के एक्स, तो इसलिए इसे के एक्स का इंटू, हाँ यो याद रखना कि हाँ तब तक, जब तक मानते रहेंगे तब तक करते रहते हैं, इसमें यो बात याद रखना है। माइनस इसमें बाहर निकल कर आएगी, टू के टू कोट के एक्स हो गया, यो माइनस पहले लिख ली, कोसेक स्क्वायर के एक्स और इंटू के, ऐसा ही लिख रहेगा, एक्स का वन हो जाएगा, के पहले लिख लेंगे, सजा कर लिख लेंगे बस, अब के टू कोट के एक्स कोसेक स्क्वायर के एक्स, ये आंसर आ गया। अब देखो कोट हो गया, अब हो गया कोट, कोट की जगह कोसेक। हाँ अब बताता हूँ सेक का, चलो सेक का बता देता हूँ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक का डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक का सेक हैंड लिखना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक का सेक स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स, क्या है डिफरेंशिएशन सेक का, सेक एक्स टेन एक्स। हाँ तो इसी बाई हो रहा है, अब तो समझ में आ ही गया होगा, सेक टू एक्स क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है वही डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे टू एक्स को इसे एक्स मान लेंगे थोड़ी देर में, के लिए कुछ नहीं जा रहा, तो अब देखो सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, सेक और टेन होता है, क्या होता है सेक टेन टेन, ठीक टेन होता है, सेक होता है टेन होता है। अभी स्थान मैंने छोड़ दिया था खाली लिखने से, तो अब ये जो एक्स मानना था उसकी जगह, यानी कि यहाँ एक्स नहीं आना है, टू एक्स ही आगा, ये इसलिए छोड़ा था, टू एक्स ही आगा, जिसे मानना उसे इंटू में करेंगे, इंटू में करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स का भी करा नहीं करेंगे, टू एक्स, तो समझ में आ गया, सेक टू एक्स का इस एक्स मान के करेंगे, सेक टू एक्स आ जाएगा यो, और टेन टू एक्स आ जाएगा, इंटू में ही हो जाएगा, सेक टू एक्स टेन टू एक्स। अब ये टू एक्स का वन हो गया डिफरेंशिएशन, टू पहले लिखना है, लिख लियो, ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट कर दिया हम एकदम एकदम। वाई हो रहा ये हो जाएगा, हाँ सेक स्क्वायर एक्स का कर लोगे, सेक स्क्वायर एक्स का भी करके दिखा देता हूँ सैंपल, हाँ ये हो जाएगा स्क्वायर एक्स, हाँ होल स्क्वायर कर दिया, सेक स्क्वायर नहीं लिखना था वो शॉर्ट में, चलो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका, टू सेक एक्स, और सेक का इंटू में क्या हो जाएगा, इस एक्स मान का टू सेक एक्स हो गया, इससे इंटू में कर देंगे सेक एक्स टेन एक्स, ठीक। अब देखो करते हैं कोसेक, कोसेक की बात करते हैं, कोसेक वाई बराबर, मैंने पहले ही शुरू में ही कह दिया था ये सी से कोसेक एक्स, सी वाले हैं माइनस में ही देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन है भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना ही लिखना है, यो ही रटना ही रटना है, माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स, क्या है माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। अच्छा मैं दूँ ये प्रॉब्लम है, कोसेक तीन एक्स है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक तीन एक्स, ऐसा कैसा ही कोट तीन एक्स, ऐसा कैसा ही, और इंटू में तीन एक्स का बन जाएगा, बिल्कुल एक्स मान का कर दिया, वो तो पीछे बता ही रखा वाई बराबर। अच्छा कोसेक स्क्वायर तीन एक्स है, चलो इसका कर दो, तो डिफरेंशिएशन ही करोगे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स भाई स्क्वायर पहला आएगा, ये तो पता है, ऐसा इसका होल स्क्वायर कर लूँ, यहाँ कोसेक तीन एक्स होल स्क्वायर कर लिया, ठीक तो दो पहला आ गया कोसेक तीन एक्स आ गया,
और यो क्या हो जाएगा कि इसमें जो है फिर इंटू में इस एक्स मान के करा, अब जैसा मानना हो सा इसमें माइनस वन हो जाएगा इसका कोसेक एक्स कोट एक्स। ये लाइन चमकने की नहीं, बड़ा करके लिख दो कोसेक 3x आ गया, कोसेक 3x आ गया, इंटू में चल गया वहां से कोट 3x आ गया, ये माइनस है ठीक, इंटू में 3x का वन हो गया, सही है। इस 3 × 6 ठीक कर लेंगे और इसे लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम, क्योंकि तीन हाँ बात करते हैं कोसेक तक पहुंच गए। हाँ अब कौन सा बचे, लॉग एक्स की बात कर लेते हैं। वाई बराबर लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इसमें बेस ई हो, ई लिखो बेस या मत लिखो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई और बेस होगा तो उसे लिखना ही लिखना होगा, जो याद रखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1/x और रटना पड़ेगा यो वाई बराबर, अगर लॉग एक्स पर वहाँ 3 है तो क्या करोगे तुम, ये सूत्र याद करना पड़ेंगे, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला है लॉग एम पर घात एन है तो एन पहला आ जाता है, लोग एम बच एम तो पावर क्या है पहला आ जाता है, फॉर्मूला भाई फॉर्मूला पावर पहले आ जाएगी वाई और सबसे पहले पावर पहले लाएंगे लॉग के नियम में, तो 3x बचेगा 3 पहला आ गया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आसान है, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 3 लॉग एक्स का 1/x हो आंसर, तो ये तो सिचुएशन आसान है, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसा वाई बराबर लॉग एक्स आर ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया ऐसा करके, तो क्या करोगे इसे एक्स मान लोगे, तो वो तो ये दो प्रॉब्लम तुम्हें आसान लग रही होगी है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू लिखना ही होगा, दो पहला आ जाएगा लॉग एक्स ऐसा कैसे ही लॉग एक्स का इंटू में करेंगे, जैसा मानना है उसका इंटू में करना ही करना है, ये मत भूल करना नहीं तो नंबर काट देगा, लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा ठीक, डायरेक्ट कर दिया मैंने 2×2 लॉग एक्स अपॉन में एक्स ऐसा कैसे ही सही है, समझ आ रहा। अब वाई बराबर अगर यो आ जा, मैंने कहा ए बेस आ जा या ए बी सी डी 10 आ जा 20 आ जा, एक ही जगह 10 भी आ सके 20 भी आ सके, लॉग एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1/x आ जा, लॉग ए ई आ। इसी प्रकार की सिचुएशन में मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसा 10 आ गया एक्स तो डिफरेंशिएशन करो इसका क्या आगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का 1/x आएगा, इसका लॉग ए ई यानी कि 10 ई ऐसा कैसे ही आ जाएगा इस तरीके से। अब फॉर्मूला है ए एक्स का, अब फॉर्मूला ए एक्स का है तो ए एक्स की बात कर लेते हैं, वाई बराबर ए एक्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहीं लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स ऐसा कैसे ही लॉग ए आ जाएगा ठीक, ऐसे ही अगर मैं कहूँ इसकी प्रॉब्लम 10 हो 20 हो 50 हो 100 है उसके ऊपर एक्स है तो वो ए एक्स ही होगा, के ऊपर एक्स हो चाहे पी के ऊपर एक्स हो या सी के ऊपर, तो यहाँ जैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके जैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू लिखना ही पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 10 एक्स ऐसा कैसा ही लॉग 10 और आ जाएगा सिंपल। अब देखो बात करते हैं फॉर्मूला की इंटू वाली, अगर तुम्हें दो फंक्शन इंटू में दे दिए तो कैसे करोगे, हाँ तो इंटू फॉर्मूला, इंटू फॉर्मूला हाँ इंटू फॉर्मूला मतलब मल्टीप्लाई या गुणा फॉर्मूला, तो देखो इंटू फॉर्मूला क्या है कि जैसे कोई दो फंक्शन है तो डी अपॉन डी एक्स इसका मतलब है डिफरेंशिएशन यू और बी, तो भाई इसका क्या है इंटू यू ऐसा कैसे ही बी का डिफरेंशिएशन प्लस का निशान बी ऐसा कैसे ही और अब यू का डिफरेंशिएशन, ऐसा आसान तरीका है समझने का, बहुत आसान तरीके से याद कर लो इनटू फॉर्मूला है कि कोई दो टर्म्स देगा, दो टर्म टर्म्स मतलब दो पद देगा, यहाँ दो टर्म्स जैसे साइन कोस दे दे तो इसे हाँ इनटू फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा मैं यो, तो इसमें यह देखो ही टर्म को हिंदी में कहते हैं पद, पद यो याद रखो हिंदी में क्या कहते हैं पद, तो टर्म कह लो पद कह लो बात एक ही है, तो देखो
इसमें क्या होता है, पहला पद यो याद रखना, पहला पहला पद ऐसा ही, पहला पद ऐसा ही मतलब पहला ऐसा ही, पहला ऐसा ही, इसे याद कर लो, छोड़ो उठो पद छोड़ो, ऐसा ही गुणा में दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस का निशान। अब दूसरा ऐसा ही गुणा में पहले का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई बात, यो याद रख लो, पहला ऐसा कैसा ही, जो अगर इनटू वाला फॉर्मूला है लगाना है तो तुम्हें क्या करना है, यो याद रखना, पहला ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस का निशान, दूसरा ऐसा ही और पहले का डिफरेंशिएशन। इस पर एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, जैसे साइन एक्स कोस एक्स है इनटू में है तो डिफरेंशिएशन है लिखना ही लिखना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन में ऐसा कैसा ही, पहला ऐसा कैसे ही लिखेंगे, कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो, अभी करा नहीं करेंगे, जमा रिया खाली कोस प्लस का निशान, अब का दूसरा ऐसा कैसा ही, कोस इंटू में पहले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, ये देखो इस पर ये ऐसा कैसा ही आ गया, कोस का माइनस के साइन हो गया, डिफरेंशिएशन कोस का क्या हो, माइनस के साइन प्लस का निशान, कोस ऐसा कैसा ही, और इसका साइन का क्या होगा, इंटू में यहां लिख दिया कोस एक्स हो, वो ये माइनस के कोस साइन स्क्वायर हो गया, यह प्लस के कोस स्क्वायर एक्स हो जाए ये वाला, तो यह कोस स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे साइन स्क्वायर एक्स, यो क्या चीज होता है, कोस टू एक्स यो, ठीक है यो था। अब इसका मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, डिवाइडेशन वाला, डिवाइड डिवाइड वाला, यो भी बहुत मोस्ट है, यो याद रखना, जैसा दो फंक्शन है यू अपॉन बी, तो डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन करना, तो नीचे वाला ऐसा कैसा ही, बी ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले का क्या करना है डिफरेंशिएशन, माइनस का निशान डिफरेंशिएशन करना, तो यो यू है यू, कभी बी सोचो ऊपर वाला ऐसा कैसे, वहाँ नीचे वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और माइनस का निशान, यू आपका ऊपर वाला ऐसा कैसा ही और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना, अपॉन में नीचे वाले का वर्क करना स्क्वायर करना, फिर भी मैं लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स, यो नीचे का और ऊपर का, अबे यार यो क्या लिख रहा, हाँ जल्दी जल्दी में, हाँ ये देखो डी अपॉन डी एक्स ऊपर यो लिख दिया का और नीचे का, तो देखो क्या है शॉर्ट में आसान तरीका है याद करने का, इसका नीचे का ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही और माइनस का निशान वो, हाँ इनटू में ऊपर वाले का क्या करना डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का क्या करना डिफरेंशिएशन, यहाँ लिख दो यहाँ आना का भी ना डिफरेंशिएशन, माइनस का निशान लगाएंगे ऊपर वाला ऐसा ही इनटू में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अपॉन में आ जाएगा नीचे का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर करना, नीचे वाले का क्या करना स्क्वायर करना, ओके यहाँ लेक्चर समाप्त होता है यो।